वेरी गुड मॉर्निंग गॉयस बर्ल इन दिसड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगन विद द मार्केट एंड आल एसोसिएशन ऑफ टूट लाइक बर्लन करंटली वेल एट द वन डे टाइम फ्रम ऑफ निफ्ट फिफ्टी मेरे कैक्सपेक्टेशन है मार्केट्स से मेरे क्या व्यूस हैं मेरे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं नेक्स्ट वीक के लिए ये सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ओके किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है इस फॉल पर ये सभी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे ओके इस सेशन को थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे आठ से दस मिनट के आसपास का ये सेशन रहेगा जस्ट बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हैं नहीं बिकॉज जो भी चल रहा है मार्केट में अगर आप एक रेगुलर व्यूवर हो ट्रेड लाइक बेलन के चार्ट एनालिसन के तो आई बिलीव आपको सारी चीज़ें मैंने बता ही रखी हैं कि एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ओके यू आर नॉट लाइक अदर्स इफ़ यू आर अ व्यूवर ऑफ ट्रेड लाइक बेलन आई डोंट थिंक कि आप uh, uh, सबकी तरह हैं ठीक है यू आर डिफरेंट यू नो बिकॉज आई हैव ऑलवेज एजुकेटेड यू अबाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट कि स्ट्रक्चर क्या है कैसे चीज़ें चलती हैं कैसे काम होता है ओके सो आई बिलीव आप लोगों से अलग ही सोच रहे होगे ठीक है बेटर है फोकस करो कॉसिप्स से फोकस हटा करके पैसा बनाने पे फोकस करो बिकॉज जब स्टूडेंट्स होते हैं तो मोमेंटम्स बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत जल्दी होती हैं ठीक है ठेके? दोनों ही साइड पर अप साइड पर भी और डाउन साइड पर भी ठीक है इन्हीं कुछ चीज़ों पर अपन डिस्कशंस करेंगे नाउलेट स्पीकन विदेशन का अब एक चीज आप दिमाग में रखो जब यहां पे लोग क्या कर रहे हैं कि किस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं लोग कि मार्केट 2200 पॉइंट गिर गया है ठीक है आप इस चीज पे ध्यान दो कि मार्केट चढ़ा कितना है और मार्केट उतरा कितना है ठीक है वी विल कॉल इट अ सिंपल करेक्शन ओके जहाँ पे लोग क्रैशिश बोल रहे हैं वी विल कॉल इट सिंपल करेक्शन जो कि कंटिन्यू हो सकती है ठीक है अगर एक स्विंग इतना बड़ा आया है और अगर, अगर अपन यहाँ पे हैं तो वी देर आर प्रोबेबिलिटीज कि मार्केट इस फॉल को यहाँ तक कंप्लीट कर सकता है ठीक है आपको मैंने बताया कि मार्केट के स्विंग्स कैसे होती हैं मार्केट ऐसे तो जाते नहीं रहेंगे ठीक है मार्केट्स कैसे अब जाएंगे एक स्विंग बनाएगा फिर अब जाएगा एक स्विंग बनाएगा फिर अब जाएगा लाइक इस पार्ट पे हैं अपन ओके अगर ये करेक्शन है तो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो मार्केट अभी 2200 पॉइंट गिरा हुआ है वो हो सकता है अगले एक हफ़्ते दो हफ्ते में इस 2200 के नंबर को हो सकता है कुछ इतना कर दे ठीक है एक्सपेक्ट करो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है कि मार्केट और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा दैट्स इट जब तक एक अच्छा खासा सपोर्ट नहीं आ जाता स्विंग के लिए तब तक तो अपन एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट और गिर सकता है ठीक है नाउ एक चीज़ दिमाग में रखो कि टाइम ये इंपॉर्टेंट है ठीक है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बिकॉज बुल्स हैव इनफ टाइम एक मार्केट के जब साइकिल चलता है ना तो टाइम का जो डिवीज़न uh, होता है वो कुछ इस तरीके से होता है जो बुल्स होते हैं सॉरी थोड़ी गंदी ड्रॉइंग है ये भी गंदी है हाँ ये ठीक है जो बुल्स के पास टाइम होता है ना वो नियरली एक अगर साइकिल चल रहा है ठीक है तो इसमें अगर 100 परसेंट टाइम है ना तो जो बुल्स हैं उनके पास नियरली 67 परसेंट टाइम होता है और जो बीयर्स होते हैं उनके पास जो बचा हुआ हिस्सा है ये रहता है ठीक है ये काफ़ी एक नॉर्मल सिनेरियो है अगर फॉल्स काफ़ी ज़्यादा और शार्पर और और तेज से आती हैं तो बियर्स इवन 20% परसेंट फॉल ट्वेंटी परसेंट ऑफ द टाइम पे भी चीज़ों को प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं ठीक है टेके? ये लाइट बिट कंफ्यूजन हो गया बट मैं आपको सिर्फ़ एक नॉलेज देने के लिए दिमाग में डाल रहा हूँ कि अगर ये एक साइकिल है ठीक है तो जो बुल्स हैं उनके पास बहुत टाइम है मार्केट को ले जाने के लिए बट बियर्स के पास कम टाइम रहता है मार्केट को गिराने के लिए रीजन कि जो फॉल आता है वो शार्प और तेज आता है ठीक है ये रीजन होता है तो इनके पास टाइम ऑलरेडी बहुत कम रहता है तो दैट्स अ रीजन कि जो फॉल्स आते हैं वो काफी ज्यादा शार्प होते हैं ठीक है ठेके? अब इन शार्प फॉल्स को कैसे यूटिलाइज करना है इस चीज को देखो आप जैसे एक शार्पनेस के साथ कुछ इस तरीके से फॉल आया ठीक है ठेके? अब जो राइज आएंगे ना उनमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है कुछ इस तरीके की मान के चलो एक राइज आती है तो इनमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है एक तो ये कितनी ज़्यादा शार्प है ठीक है जितनी ज़्यादा ये शार्प होंगी उतना ही तेज वापस से ये स्लोफ होंगे ठीक है पहली चीज़ और दूसरी चीज़ कि इनका वॉल्यूम्स कितना है ठीक है अगर वॉल्यूम्स कम हैं तो ये आपका एक कन्फर्मेशन है कि दिस इज नथिंग बट जस्ट अ रिट्रेसमेंट और ये उतना ही जल्दी फॉल होंगे ठीक है अब ये क्यों आते हैं जस्ट बिकॉज टू मेक पैनिक्स फॉर द अपसाइड टू मेक दम बिलीव टू मेक पीपल बिलीव दैट मार्केट विल रिकवर बट एक थोड़े बहुत अच्छे खासे रेजिस्टेंस पे जाने के बाद जो फॉल आता है वो सेम इसी स्पीड से आता है ठीक है ये चीज़ दिमाग में रखो नेक्स्ट वीक के लिए अब थोड़े से एक मेजर एरियाज डिस्कस कर लेते हैं जहाँ से अपन एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे आपको ये एक एरिया दिख रहा होगा जहाँ से मार्केट ने ठीक है ये एक एरिया दिख रहा है जहाँ से मार्केट ने एक रैली दिखाई थी तो आप यहाँ से एक सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो एक सपोर्ट लेकर के एक शार्प अप मूव ओके शार्प अप मूव ऑफ अप्रोक्सीमेटली थ्री हंड्रेड टू फोर हंड्रेड पॉइंट्स ठीक है इन इंट्राडे ओनली ठीक है ये इंट्रा की ही बात कर रहा हूँ मोमेंटम्स जो मैं आपको बता रहा हूँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये नहीं ऐसा नहीं है कि मैं दो तीन दिन तीन दिन की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन की बात कर रहा हूँ कि एक ही दिन में इतना रिट्रेसमेंट एंड सेम इतना ही फॉल इस दिन के मान के चलो पूरे दिन में छः घंटे मिलते हैं अपन को ठीक है तो चार घंटे में बुल्स ऊपर ले जाएंगे दो घंटे में बीगर्स वापस को सेल ऑफ कर देंगे लाइक दिस काइंड ऑफ मोमेंटम यू हैव टू कीप इन माइंड ओके मान के चलो एक शार्फ फॉल आता है एक शार्फ बाउंस आता है तो एक्सपेक्ट करो कि डाउनसाइड जो है वो उतनी ही तेज़ी से फॉल हो करके कंटिन्यू करेगा ठीक है तो ये चीज़ दिमाग में रखनी है तो पहला चीज़ अपन ने क्या डिस्कस किया पहला पॉइंट क्या है नेक्स्ट वीक के लिए ध्यान रखना है कि ये जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है यहाँ से अपन एक छोटा सा बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं 300 400 पॉइंट का एंड उस उस बाउंस पे दो चीज़ों का ध्यान रखना है एक वॉल्यूम का दूसरी कितनी स्पीड है अगर अच्छी खासी स्पीड है कम वॉल्यूम्स हैं तो कहीं ना कहीं पर अपन सेम वापस से शाफ़ वॉल को कंटिन्यू करेंगे ठीक है नाउ ये ब्रेकडाउन होता है तो नेक्स्ट अपन क्या एक्सपेक्ट करेंगे सिंपल सी चीज़ है प्लॉट फेबोनाची फ्रॉम हियर टू हियर क्या एरिया मिलेगा अपन को एक एरिया मिलेगा जो कि होगा फिबोनाची का जीरो पॉइंट फाइव टू जीरो पॉइंट सिक्स वन परसेंट एरिया ठीक है ये दो मेजर सपोर्ट्स मिलेंगे डाउन साइड के लिए जो कि मैं आपको प्लॉट करके दिखा भी देता हूँ hmm. हे यू गो ये कौन सा लो है इलेक्शन डे का लो है और ये अभी हाई है ठीक है तो यहाँ पर दो एरियाज कौन कौन से मिल रहे हैं अपन को पहला एरिया मिल रहा है ट्वेंटी थ्री थाउजेंड सेवन एटी एट दूसरा मिल रहा है ट्वेंटी थ्री थाउजेंड वन नाइनटी नाइन ठीक है ये दो ही स्विंग्स के लिए मेजर सपोर्ट रहेंगे यहीं से आप बाउंसेस एक्सपेक्ट कर सकते हो अदरवाइज तो मार्केट कंटिन्यूसली फॉल होते आएंगे ठीक है जब तक अच्छे खास सपोर्ट में नहीं पहुंच जाते इन्हीं सपोर्ट से आप छोटे मोटे बाउंसेज एक्सपेक्ट कर सकते हो ठीक है इनके अलावा मार्केट कहीं बीस से नहीं उठेंगे आपको छोटे मोटे टाइम फ्रेम पर स्विंग्स मिलते रहेंगे बट बड़े टाइम फ्रेम पर आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी कि इतने ज़्यादा स्विंग्स नहीं मिलेंगे जब तक मार्केट एक अच्छे खासे सपोर्ट पर नहीं पहुंच सकता इन सपोर्ट से आप बड़े टाइम फ्रेम पर स्विंग्स एक्सपेक्ट कर सकते हो बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हो 400 500 पॉइंट्स तक के ठीक है जैसे मान के चलो कि यहाँ पर मार्केट अटैम्प्ट किया ठीक है अब एक रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा मार्केट के लिए ये लेवल प्रीवियस बॉटम ओके अब यहाँ से मार्केट वापस यहाँ हिट के एंड देन अगेन कंटिन्यू तो लाइक दिस यही मेजर एरियाज होंगे जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा ओके okay? अभी तो मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ बैंक निफ्टी इससे थोड़े और बड़े थोड़े सिनारियों पे है ठीक है मैंने एक्सपेक्ट किया था थोड़ा कम देर पे मैं आपको समझा दूंगा बट फिर उतना ही टाइम लग गया क्या बोलो मैं आपको नौ मिनट ऐसे ही हो गए चलिए कोई बात नहीं ठीक है न ये चीज़ क्लियर की मैंने कि नेक्स्ट सपोर्ट्स के लिए क्या देखना है निफ्टी के लिए और क्या सिनेरियो अपन प्ले करेंगे क्या चीज़ों का ध्यान रखना है निफ्टी में आपको क्लियर कर दिया निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है उनको मार्क कीजिए देन उसके बाद अपन बैंक निफ्टी में बढ़ते हैं ठीक है

ये जो पैटर्न है मैं ज़्यादातर पैटर्न फॉलो नहीं करता हूँ बट आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि वीकली टाइम फ्रेम पर क्या बना है लुक एट दिस एंड लुक एट दिस अ वीकली बेरिश इन पैटर्न सो यही चीज इनफ होगी जितना भी बेरिशनेश है वो सिर्फ यहीं तक रहेगा ठीक है कहाँ तक ये जो हाई दिख रहा है जब तक बैंक निफ्टी इस हाई के नीचे है तब तक मैं बेरिश हूँ बैंक निफ्टी के लिए जिस दिन बैंक निफ्टी इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग दे देगा उस दिन से मेरा व्यू टोटली बदल जाएगा कि मैं बुलिश हो जाऊंगा ओके इस हाई तक तो सेलोन राइस को आप फॉलो करो बाकी चीज़ें अपन आगे चल डिस्कस करेंगे बिकॉज ये जो है ना ये काम करेगा ओके बिकॉज एक बड़ा टाइम फ्रेम है और कहीं ना कहीं पर अब अपन इन सपोर्ट्स पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे ठीक है ये जो सपोर्ट दिख रहे हैं आपको ये सपोर्ट ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं यहाँ से लाइज आया था एक बार टेस्ट हुए दो बार टेस्ट हुए अब तीसरी बार आ रहे हैं तो ये डायरेक्ट ब्रेक डाउन करेंगे एंड ब्रेक डाउन करने के बाद कहाँ अटैम्प्ट करेंगे पर इन लोस के आसपास ओके लेट मी टेक यू टू द वन डे टाइम फ्रेम नाउ दिस इज द वन डे टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी बैंक मैंने क्या बताया आपको कि ये जो सपोर्ट्स हैं वो ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं ठीक है देखे? अब ये हो सकता है मंडे को ट्राई करेगा कि ब्रेक डाउन करे ब्रेक डाउन करने के बाद इन जोन्स पर आ के एक बाउंस अटेम्प्ट करे इस एरिया का दैन उसके बाद वापस से जो फॉल है वो कंटिन्यू हो ठीक है बिकॉज ये जो लोस हैं अब आई डोंट थिंक कि वो जो बेरिश एंड गल्फिंग बना है उसके बाद ये सब सस्टेन करेंगे ठीक है इसके नीचे भी डाउन साइड पर बैंक निफ्टी सेम चीज़ को वापस से ट्राई करेगा कि इस स्विंग से जो 0.618 परसेंट एरिया का फिपोनाची का एरिया है उसको मार्केट अटेम्प्ट करें ठीक है मैं यहां पर भी आपको प्लॉट करके दिखा देता हूं सही ये लो लिया है मैंने ये हाई को प्लॉट किया है अब ये एरिया तो अपने लिए बचा ही नहीं कि मार्केट 0.5 पॉइंट फाइव रुकेगा भी ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत बार टेस्ट हो चुका है ये ब्रेक डाउन ही करेगा कुछ इस तरीके से बैंक निफ्टी प्रॉबेबिलिटीज़ है कि 0.618 पे सिक्स वन आकर के थोड़ा सा एक बाउंस शो करने का ट्राई करें ठीक है मैंने आपको बताया है कि आप लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्ट करें आप लोग जब यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिकवरी आप एक्सपेक्ट करो कि और मार्केट फॉल होगा दैट्स एड ओके नो बैंक निफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपको शेयर करता हूँ जो आपके नेक्स्ट वीक में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी बैंक प्लीज नोट इट फिफ्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी थ्री फिफ्टी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवेंटी फिफ्टी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी फिफ्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी या सेवेंटी फाइव हंड्रेड सेवेंटी ओके 50,180, थाउजेंड वन हंड्रेड एंड एटी फोर्टी नाइन थाउजेंड निफ्टी मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाना चाहूंगा आपको ताकि आप ध्यान रखें इन चीज़ों का ठीक है मैंने क्या चीजें बताई आपको एक ये चीज एक्सप्लेन की कि बुल्स के पास कितना टाइम रहता है और बियर्स के पास कितना टाइम रहता है एक साइकिल में सिक्सटी सेवन परसेंट जो पार्ट है वो बुल्स कवरअप करते हैं थर्टी थ्री परसेंट पार्ट एक नॉर्मल सिनेरियो पे अगर एक एक्स्ट्रा ऑर्डीनरी सिनारे है जहाँ पे बीयर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं तो कहीं ना कहीं पे ये 33 थ्री परसेंट को वो 20 परसेंट पर भी कंप्लीट करके ख़त्म कर देते हैं ठीक तो है तो शार्प जो डिक्लाइंस हैं उनमें डरना नहीं है आपको इस चीज़ को आप अगर समझ गए तो आपको डरना नहीं है ठीक है बिकॉज बुल्स के पास काफ़ी टाइम रहता है मार्केट रिकवरी के लिए मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए बट बीयर्स के पास काफ़ी कम टाइम रहता है मार्केट को गिराने के लिए और करेक्शंस uh, को कम्प्लीट करने के लिए ठीक है तो ये पहली चीज़ है दूसरी चीज कि जब अपन फॉल हो रहे हैं ठीक है तो जब मार्केट एक मेजर सपोर्ट पे पहुंचता है लाइक दिस ठीक है तो अगर यहाँ से एक शार्प बाउंस आया है तो इस शार्प बाउंस में नोटिस करना है कि वॉल्यूम कितना है ठीक है अगर वॉल्यूम कम है बाउंस बहुत अच्छा है तो जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करो एक अच्छे खासे सेटअप का कि अगर यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन क्रिएट हो तो कंसोलिडेशन ब्रेक डाउन पर आप शॉर्ट ट्रेड क्रिएट करो एंड रिस्क विल बी दिस एंड विल रिवार ठीक है ये जो फॉल्स होता है ना ये मार्केट नियरली पंद्रह मिनट के तीन चार कैंडल पे कंप्लीट कर देता है जस्ट बिकॉज कि इस स्पीड के साथ मार्केट को फॉल कंप्लीट करना रहता है ठीक है ये हो गई दूसरी चीज तीसरी चीज ये बताई कि जो सपोर्ट मार्केट्स ने पहले लिए हैं लाइक दिस ओके okay. अब ये जो सपोर्ट्स हैं वो चांसेस हैं कि अब ये वीक हो चुके हैं एक दो तीन अटैम्प्ट और ये मार्केट चौथा अटैम्प्ट किया है तो अब ये वीक हो चुके हैं तो अब ब्रेक डाउन करके मार्केट इस एरिया पे ध्यान देगा मार्केट ध्यान देगा फिबोनाची के एरिया पे ठीक है यहीं पे एक सपोर्ट है जब तक मार्केट यहाँ नहीं पहुँच सकता पहुँच नहीं जाता आप एक्सपेक्ट करो कि जो राइज हैं जितनी भी राइज आती हैं वो क्विकली सेल ऑफ होंगी दैट्स ऑल ओके फिर उसके बाद मैंने आपको लेवल्स प्रोवाइड किए हैं जो भी लेवल्स प्रोवाइड किए हैं आप उनको ईजिली प्ले करो ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउंस पर आपको बहुत इजिली इंटरटेमेंट रेट्स मिल जाएगी दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज सी ऑल इन द नेक्स्ट सेशन जस्ट वॉन्ट टू ट्रेड लाइक सेव टू गॉन्ग वे प्लीज स्टे अलर्ट फ्रॉम द फेक टेलीग्राम चैनल्स वी डो नॉट रन एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज आई विल रिपीट रिपीट एंड जस्ट रिपीट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन दैट प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल विथ योर मनी प्लीज़ भी रिस्पांसिबल विथ ईरमानी एंड प्लीज भी रिस्पॉसिबल विथ यरमानी ट्रेड लाइक बर्लिन का सिर्फ एक ही चैनल है वो है ये वन लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड नाइन्टीन सब्सक्राइबर्स क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेड लाइक बर्लिन कोई भी लाइक अंडर स्कोर नहीं है या फिर ट्रेड लाइक बर्लिन नहीं है कुछ भी नहीं है ठीक है ईजिली यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेड लाइक बर्लिन ओके ना दीज आर द पोस्ट व्यूज पोस्ट व्यूज़ को आप हमेशा चेकआउट करते रहो कि अगर किसी चैनल के एक लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड सब्सक्राइबर्स हैं उसके पोस्ट व्यू नियरली फिफ्टी के तो आराम से होने चाहिए और ट्रेड लाइक बल इनके उतने आराम से हैं ठीक है सो इन बातों का आप ध्यान रखो एंड प्लीज डोंट गेट स्कैम डोंट गेट स्कैम डोंट गेट स्कैम प्लीज एवरी थिंग इज फ्री इन ट्रेड लाइक बल इन एवरी थिंग इज फॉर यू ओके एवरी थिंग इज फॉर यू का ओके प्लीज बी एलर्ट दैट्स ऑल एंड डिलीवरी really सॉरी ये स्टेशन थोड़ा लेट है मैंने अपलोड किया है जस्ट बिकॉज मेरे थोड़े और काम चल रहे हैं तो मेरे को वहाँ भी ध्यान देना रहता है तो दैट्स वाय बाय एंड टेक केयर का